में जहां पे भी होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट अपनी फंक्शनलिटी के साथ, यानी इस वाली मेन फंक्शनलिटी के साथ, तो रन टाइम पे डिसीजन हो रहा है ना, यहां पता थोड़ी ना है। आप इसे हटा दो, यहां पे चाइल्ड की जगह पे किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट दे दो, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट दोगे उसका मेथड यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंगल मेथड कॉल विद मल्टीपल मेथड डेफिनेशन, इसी को ही सिंगल मेथड कॉल और मल्टीपल मेथड डेफिनेशन बोल सकते हैं, और इसी को ही डायनेमिक मेथड डिस्पैच बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेथड यहां पे डायनेमिकली डिस्पैच होके इसका कॉल हो रहा है। डायनेमिक मेथड डिस्पैच, दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक मेथड डिस्पैच। डायनेमिक मेथड डिस्पैच, एक मेथड कॉलिंग का मेथड की डेफिनेशन के साथ डिस्पैचिंग डायनेमिकली हो रही है, दैट इज अ डायनेमिक मेथड डिस्पैच। क्लियर है? बताइए। सर यहाँ पे इंस्टेंस इन वर्चुअल कॉल हो रहा है ना, तभी तो वो चाइल्ड में चेक कर रहा है। बिल्कुल, ये मेथड जो है यहाँ पे, ये कंपाइल टाइम पे इसके अंदर इनवोक वर्चुअल का इंस्ट्रक्शन जनरेट हो चुका होगा। ये मैंने जावा पी करके आपको कल दिखाया भी था, इनवोक वर्चुअल। जावा पी के साथ एक स्विच होता है, फ्लैग होता है, हाइफन सी, वो फ्लैग चला के या हाइफन वर्बोज चला के आप देख सकते हैं। तो अगर आपको कभी मेथड ओवरराइडिंग या अभी आपसे पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम लिखने के लिए बोला जाए तो ये जरूर बनाइएगा प्लीज, क्योंकि एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म यही होता है मेन। क्योंकि देखो पॉलीमॉर्फिज्म से क्यों बोला जा रहा है, वन मेथड कॉल सिंगल मेथड कॉल विथ मल्टीपल मेथड डेफिनेशन, वन नेम मेनी फॉर्म। एक बार आप कॉल कर रहे हो, दो जगह डेफिनेशन मिल रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है। सिंगल मेथड कॉलिंग पे मल्टीपल मेथड डेफिनेशन मिले तो पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम एक सिंगल मेथड कॉलिंग पे मल्टीपल मेथड डेफिनेशन, इनहेरिटेंस होना जरूरी था कि नहीं था, ओवरराइडिंग होना जरूरी था कि नहीं था, आपका कास्टिंग होना जरूरी था। तो सिनेरियो याद रखो, इंटरव्यू पूछा जाए, सर पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू मेथड ओवरराइडिंग करके और अपकास्टिंग करके, ये बस इतना बोलना है आपको। ऑब्जेक्ट होगा चाइल्ड का, पेरेंट होगा रेफरेंस होगा, मेथड कॉल होगा पेरेंट का, एग्जीक्यूट का चाइल्ड होगा, सॉरी चाइल्ड का एग्जीक्यूट होगा। बिना अपकास्टिंग का हो जाए कि नहीं रन टाइम नहीं, कभी नहीं, नेवर। अपकास्टिंग नहीं है तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, क्योंकि यहां पे मेंबर कॉलिंग का मेंबर फंक्शन के साथ डिसीजन रन टाइम पे होना चाहिए। सर, वहां पर जैसे वाइड जो मेथड बनाए हैं कहां पे, बेस में या चाइल्ड में? दोनों सर, वहां पर अगर हम पैरामीटर फिर वही बनाते बात, मैं बोल रहा हूँ बेस में या चाइल्ड में, हैं बेस क्लास में बनाए हैं ठीक है, अगर हम पैरामीटर डाल दें वहां पर, यहाँ पे पैरामीटर डाल दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए इंट एक्स। अब बताइए सर, और फिर चाइल्ड में हम दो पैरामीटर डाल दें, चाइल्ड के अंदर दो पैरामीटर डाल दिया मैंने, इंट एक्स और इंट वाई। सर फिर यहाँ से हम नीचे अगर हम उसको पैरामीटर पास करेंगे उसका, मतलब चाइल्ड नहीं, अब प्राप्त नहीं करेंगे तो जो अब यहाँ पे चाइल्ड में अपकास्टिंग नहीं करना चाहते हो आप चाहते हो कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए। आपने लिखा चाइल्ड, यहाँ ओपनिंग कर लेते हैं, चाइल्ड सी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, और फिर सी डॉट शो मेथड कॉल करके दो पैरामीटर भेज दिया आपने, दो सर पास करेंगे तो नीचे वाला आएगा, दो पास करेंगे नीचे वाला आएगा, और अगर एक पैरामीटर पास करेंगे तो ऊपर वाला बेस वाला आएगा, एक पास करेंगे तो ऊपर वाला कॉल होगा। हो गया सर, ये ओवरराइडिंग होगा या नहीं होगा? ओवरलोडिंग, ये ओवरराइडिंग होगा या नहीं होगा आप बताओ, ओवरराइडिंग होगा या नहीं होगा? होगा, मैंने बोल दिया होगा, मान लोगे आप? मैंने बोल दिया होगा, जाओ तथास्तु। अरे ओवरराइडिंग क्या होता है पहले ये बताओ, खड़े हो, क्लास लग गई तुम्हारी अब। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ओवरराइडिंग? अब ये मत कहना कि हम तो आए नहीं थे उस दिन। अपने पड़ोसी से पूछे होते, दोस्त से पूछे होते, YouTube पे एंड्रो जावा टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल है एक, वहां पे एक प्लेलिस्ट ऑप्शन आता है, उसमें रियूजबिलिटी का एक फोल्डर है, और उस फोल्डर में सारे कंसेप्ट जो रियूजबिलिटी से रिलेटेड हैं, एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, ये सब मैंने वहां एक्सप्लेन किया है, देखिए ना।